आज मैं आपको दिखा रहा हूँ पुष्प के नर्जन अंग को, नर्जन अंग अर्थात पुंकेसर या स्टेमेन। इसकी संरचना में देखें, ये आपको दिख रहा है। इसमें मुख्य रूप से तीन भाग होते हैं। सबसे ऊपर की तरफ जो ये फूला हुआ भाग दिख रहा है येलो कलर का, यह है पॉलन सैक या एंथर। उसके नीचे जो धागे जैसी संरचना दिख रही है वह है फिलामेंट या पुतंतु। और जहाँ फिलामेंट पुतंतु एंथर के साथ या पॉलन सैक के साथ जॉइंट होते हैं वो जगह कहलाती है कनेक्टिव। तो बहुत स्पष्ट आपको दिख रहा होगा, इसलिए मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये इसमें ऊपर की तरफ है जो फूली हुई संरचना है यही है एंथर। और जो नीचे की तरफ धागे जैसी संरचना दिख रही है वो है, ये देखिए इसमें, ये जो है ये सबसे ऊपर का भाग ये है एंथर। इसी में पराग कण होते हैं, ये पराग कोष है, एंथर कहलाता है। और इसी के अंदर पराग कण होंगे जो कि परागण में, पॉलिनेशन में भाग लेते हैं और दूसरे जगह पर अर्थात स्त्री केसर पर पहुंचते हैं और फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। और ये जो दिख रहा है आपको, ये लंबा सा ये धागे जैसी संरचना आपको अंदर तक दिख रही होगी, यही है फिलामेंट। यही क्या कहलाता है? फिलामेंट कहलाता है। ये देखिए, ये इसको मैं तोड़ूँ इससे, ये वाली वहाँ, ये देखिए ये आ गया। तो ये क्या है? ये है पुष्प का नर जननांग। तो जब भी फ्लावर में आपको ये दिखे तो ये ज़रूर देखने की कोशिश कीजिए कि ये पुष्प का नर जननांग कहाँ है और इसकी संरचना किस तरीके से होती है। यदि ये देख लेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे कि ये पुष्प का नर जननांग है। चलिए दूसरे पुष्पों में भी दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, गुड़हल है, हिबिस्कस। इस प्लांट में भी आपको स्पष्ट रूप से दिखेगा ये जो है, ये हैं पुंकेसर या स्टेमेन। इनमें भी वही संरचना, ये जो पीले कलर का पाउडरी स्ट्रक्चर दिख रहा है ये भी वही है। इनमें भी उसी तरीके की संरचना पाई जाती है। ऊपर की तरफ एंथर, नीचे की तरफ जो लंबा धागे जैसी संरचना होती है वो फिलामेंट कहलाता है। और जहाँ दोनों आपस में जुड़ते हैं वो कनेक्टिव कहलाता है। तो ये आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। इनको सबसे पहले फॉर्सेप या चिमटी की मदद से अलग कीजिए और इसको किसी स्लाइड में, अगर घर में स्लाइड नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी अच्छे प्लेन सरफेस पर रख के इसको देखने की कोशिश कीजिए। अब आपको दिखाता हूँ रोज़ में। ये रोज़ में इसकी जो पंखुड़ियाँ हैं या पेटल्स हैं वो निकल गए हैं, झड़ गए हैं। तो ये जो आपको ये किनारे की तरफ सूखे हुए दिख रहे हैं यही क्या है? इसके ये स्टेमन या पुंकेसर कहलाते हैं। ये ऊपर की तरफ फूली हुई संरचना दिख रही है। पुष्प में भी देखिए, पुष्प में भी आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे जाएगा। ये देखिए, ये जो संरचना है ये क्या है? पुंकेसर है। आपको दिख रहे होंगे ये किनारे की तरफ जो लगे हुए हैं, पहले धागे जैसी संरचना होती है और फिर ऊपर की तरफ फूला हुआ भाग होता है। तो जो फूला हुआ भाग है वो बाइलोब्ड भी होता है और भी लोब होते हैं उसमें। तो ये अलग अलग सब में होता है, लेकिन जब एक टिपिकल प्रारूपिक स्टेमेन की संरचना आप देखेंगे तो उसमें एक लंबे धागे नुमा संरचना होती है, ऊपर की तरफ फूला हुआ भाग होता है, इसी में पॉलन ग्रेन्स होते हैं जो कि पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, मतलब पॉलिनेशन के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक अर्थात स्त्री केसर तक जाते हैं और फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है। चलिए एक और फ्लावर में देखते हैं। चलिए इसमें देखते हैं, ये भी एक फ्लावर, ये है इसका स्टेमन वाला भाग। ये देखिए, ये फ्लावर में आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा। ये इसका लोब भी आपको स्पष्ट दिख रहा है। ये देखिए, ये है इसका स्टेमन वाला भाग। इसी तरीके की संरचना लगभग हर एक फ्लावर में पाई जाती है। ये देखिए,
तो यदि आपको इसको अच्छे से समझना है तो इसको प्रैक्टिकली ज़रूर देखिए।